तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रश्न बैंक 2022-23 कक्षा 9वीं सामाजिक विज्ञान विषय का फुलहाल। जी हाँ दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको सभी कुछ यानी कि आपके जितने भी सामाजिक विज्ञान की पार्ट है जैसे कि इतिहास और राजनीति विज्ञान और अर्थशास्त्र और भूगोल, आपका सभी कुछ इसी वीडियो में कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरा ये वीडियो समझ में आ सके। तो दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न बैंक भी आप विमर्श पोर्टल पर जाकर आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, उस जगह पर ये आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। और अगर दोस्तों आपको सीधा लिंक इसका डाउनलोड करने का प्राप्त करना हो तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, आप वहाँ पर भी जाके इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो ये पूरी की पूरी प्रश्न बैंक अभी तक हो सकता है कि आप सभी के पास में आ गई होगी और आपने इसको देख भी लिया होगा। पर दोस्तों, इसमें क्या खासियत है और क्या इसमें कुछ चीज़ें छूट गई है, जैसे कि देखिएगा आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक तो दिए गए हैं नोट्स टाइप के समझने के लिए, मगर दोस्तों जो बड़े प्रश्न थे इसमें से जैसे कि 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले, उन प्रश्नों के उत्तर इस पार्टों में से यानी कि इन प्रश्न बैंक में नहीं दिए गए हैं। तो आज हम उन सभी के उत्तर देखते हैं कि यानी कि आपके दो नंबर वाले, 3 नंबर वाले और 4 नंबर वाले जो प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हम इसमें देखने वाले हैं। तो इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा जिससे कि आपको पूरा ये वीडियो समझ में आ सके, क्योंकि अगर दोस्तों आप आधा अधूरा वीडियो देखोगे तो आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और साथ में अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें जिससे कि आप सभी को हमारे द्वारा अपलोड होने वाले वीडियो बराबर मिलते रहे। तो देखिएगा आपके जो प्रश्न बैंक है उसकी शुरुआत होती है फ्रांसीसी क्रांति से, ये इतिहास का है, तो आप इस प्रकार से इसको पूरा देख लें। तो और क्या इसमें लिखा गया है, तो देखिएगा इसका ब्लूप्रिंट भी जारी किया गया है, इसमें से किस किस प्रकार के आधार पर इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी सारा बताया गया है। तो चलिए अब सीधा सीधा हम इसका उत्तर ही देखते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको 2 अंक वाले, 3 अंक वाले और 4 अंक वाले प्रश्नों के ही उत्तर बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों बाकी ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिए गए हैं उनके उत्तर तो इसी प्रश्न बैंक में भी दिए गए हैं, आप यहाँ से भी आप उनको आसानी से नोट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं इनके सीधे सीधे हम उत्तर। तो देखिएगा दोस्तों, इस जगह से हम शुरुआत करते हैं। समकालीन भारत नाम की जो किताब है आपकी, भाग 1, इसका अध्याय 1 है भारत का आकार और स्थिति। तो इसमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके उत्तर हम देख लेते हैं। देखिएगा क्या लिखा है, मानक समय से आप क्या समझते हैं, तो ये पूरा इसका उत्तर लिखा है, आप इस जगह से इसका पूरा उत्तर नोट कर लें। और उसी के नीचे आप देख पा रहे हो विश्व के संदर्भ में भारत की स्थिति का वर्णन कीजिए, तो आप लोग इसका भी उत्तर देख लें पूरा यहाँ तक का जो कि दिया गया है। वह इसी के अलावा आप आगे यहाँ पे देख पा रहे हो भारत की स्थिति एवं विस्तार का वर्णन करें, भारत की भौगोलिक स्थिति का महत्व समझाइए, तो ये भी यहाँ तक का आपको पूरा दिया गया है, आप लोग इसको देखें। अब आगे अगर देखा जाए तो अध्याय 2 दे रखा है जिसका कि नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, तो आप इस जगह से इसको देख लें। भारतीय मरुस्थल के बारे में लिखिए, ये अरावली पर्वत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है, 150 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है, वनस्पति कम पाई जाती है, तो आप सभी लोग इसको देखेंगे और नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा आप आगे इस जगह से देख पा रहे हो भारतीय भू आकृति विभागों के नाम लिखिए, भारत के प्रमुख भौतिक विभाग निम्नलिखित हैं, तो आप लोग इसको देख लें और इनको अच्छे से नोट कर लेंगे। व इसी के अलावा आप आगे इस जगह से देख पा रहे हो, देखिएगा क्या लिखा है, प्रवाल से आप क्या समझते हैं, प्रवाल के प्रकार लिखिए, हिमालय पर्वत के अंतर्गत महान हिमालय को समझाइए, बांगर एवं खांदर से आप क्या समझते हैं, दक्कन के पठार का संक्षिप्त वर्णन आपको करना है, तो आप सभी लोग इन चीज़ों को देख लेंगे। व इसी के अलावा आप आगे इस जगह से देख पा रहे हो भांवर और तराई प्रदेश का वर्णन करना है, पूर्वी तटीय मैदान एवं पश्चिम तटीय मैदान में अंतर आपको बताना है, तो आप लोग इसको देखते चले और साथ साथ में इनको नोट भी करते चलें जिससे कि आपको पूरा अच्छे से याद हो जाए। भारत को कितने भौतिक विभागों में बांटा गया है, किसी एक का वर्णन आपको करना है, तो आप इस प्रकार से पूरा इसको नोट कर लें। व इसके अलावा आगे दे रखा है, देखिएगा संक्षिप्त वर्णन दीजिए, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर अच्छे से नोट कर लेंगे। अगला अध्याय दे रखा है अध्याय 3 जिसका कि नाम अफवाह है, और इस पार्ट में से भी आप क्या करेंगे, देखिएगा क्या लिखा है यहाँ पे, सिंधु नदी तंत्र को समझाइए, झीलों के महत्व को समझाइए, हिमालय तथा प्रायद्वीपी नदियों की तुलना कीजिए, तो आप सभी लोग इनको देखते चलेंगे। और उसी के अलावा आप इस जगह से देख पा रहे हो गंगा नदी तंत्र को समझाइए, नदी प्रदूषण को विस्तार से समझाइए, आप लोग इसको भी देख लें। व उसी के अलावा आप आगे देख पा रहे हो ये सवाल दिए गए हैं, ये प्रश्न हैं, आप लोग इनको देखेंगे। भाखड़ा नांगल परियोजना क्या है, पश्चिम बंगाल का सोक किस नदी को कहा जाता है, नमामि गंगे परियोजना को समझाइए, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना क्या है, तो आप सभी लोग इन प्रश्नों को नोट कर लें या चाहे तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हो। और भारत के मानचित्र में निम्न चीज़ों को समझाना है, तो आप सभी लोग इस जगह से इसको नोट कर सकते हो। व उसी के अलावा दोस्तों आप आगे बारी आती है अध्याय 4 की जिसका कि नाम जलवायु है, तो इसमें से भी तमिलनाडु में शीत ऋतु में वर्षा क्यों होती है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ क्यों कहते हैं, जेट स्ट्रीम क्या है, एल नीनो से आप क्या समझते हैं, ये सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग इनको देखेंगे और नोट करते चलेंगे। भारतीय मानसून को एकता का परिचायक क्यों कहते हैं,
और उत्तर भारत में वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्यों घटती है? भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। वह उसी के अलावा कुछ चीज़ें ये दे रखी हैं, आप लोग इनको देखेंगे और नोट कर लेंगे। और इसी के अलावा अगर देखा जाए तो आप इस जगह से देख पा रहे हो ग्रीष्म ऋतु भारतीय शीत ऋतु, आप ये क्या होती है तो आप सभी लोग इसको नोट करेंगे जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एक ये दे रखा है, अगला ये दे रखा है, तो आप सभी लोग इसको देखें और नोट कर लें। व उसी के अलावा आगे आप देख पा रहे हो अध्याय 5 दे रखा है। अध्याय 5 में प्राकृतिक वनस्पति तथा वन्य प्राणियों में ये आपको पूछा गया है, ये अध्याय 5 है, तो आप सभी लोग इस जगह से इनको नोट कर लेंगे। व आगे देखा जाए तो कुछ हिस्सा ये दे रखा है इसी पार्ट का, तो आप सभी लोग इसके क्वेश्चन आंसर को अच्छे से नोट जरूर करेंगे। व आगे आप देख पा रहे हो इस प्रकार से मैंग्रोव वन पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको बतानी है, सदाबहार वन व पतझड़ वनों में अंतर आपको बताने हैं, कुछ हिस्सा इसी का ये दे रखा है, तो आप सभी लोग इसको नोट करेंगे। पाठ्यपुस्तक समकालीन भारत भाग 1 के प्रश्न क्रमांक 6 के कुछ उत्तर ये दे रखे हैं, ये देखने हैं आपको। और अगला ये दे रखा है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में अंतर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, तो देखिएगा आप सभी लोग इनको समझ लें। और आगे कुछ ये दे रखा है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो सेकंड वाली किताब है भारत और समकालीन विश्व भाग 1, आप इसको देख ले अध्याय 1 जिसका कि नाम फ्रांसीसी क्रांति है, तो इसका कुछ क्वेश्चन आंसर ये यहाँ पर लिखे हैं, आप आसानी से इनको नोट कर सकते हो। चाहे तो आप वीडियो को रोक रोक के भी आप इन क्वेश्चन आंसर को नोट कर सकते हो। व उसी के अलावा कुछ क्वेश्चन ये दे रखे हैं जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति में दार्शनिकों के योगदान को लिखिए, आप इसको नोट कर लें। व उसके अलावा आप इस जगह से देख पा रहे हो फ्रांसीसी समाज की महिलाओं का जीवन कैसा था, आप इसको ये बताना है। नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। व उसी के अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन कैसे हुआ, 18वीं सदी में फ्रांसीसी समाज के 3 स्टेटस के बारे में आपको बताना, तो आप सभी लोग इस जगह से इनको नोट करते चलें। यहाँ से आपकी दोस्तों पूरी की पूरी प्रश्न बैंक कंप्लीट हो जाएगी, आप अच्छे से इन सभी को देखें और नोट कर लें। आगे आप देख पा रहे हो फ्रांस के नक्शे में उन क्षेत्रों को दर्शाइए जहाँ क्रांति का स्वरूप भयावह था, तो आप इस प्रकार से देख पा रहे हो कि नक्शा है इसमें इस प्रकार से आपको सारी चीज़ें दर्शा देनी है। व उसके अलावा कुछ चीज़ें ये दे रखी है, देखिएगा फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम क्या है ये आपको बताने हैं, तो आप इस जगह से इनको नोट कर सकते हो। फ्रांसीसी क्रांति के राजनीतिक कारण लिखिए, तो आप इस जगह से राजनीतिक कारण बता सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आप इस जगह से देख पा रहे हो अध्याय 2 दे रखा है यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, आप इस जगह से इनको नोट कर लें। पुलक शब्द को परिभाषित कीजिए और ये जो चीज़ें दे रखी हैं रूसी क्रांति से प्रेरित होने वाले भारतीयों के बारे में और 1900 से 1930 के बीच महिला कामगारों की स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। और आगे देखा जाए तो स्टालिन के सामूहिक कार्यक्रम को समझाइए, और आगे आप इस प्रकार से सारी चीज़ें देखते चलें। जैसे कि आप इस जगह से देख पा रहे हो 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया ये आपको बताना है। व उसी के अलावा आगे आप देख पा रहे हो इन चीज़ों को रूस में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे ये आपको बताना है। बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के फौरन बाद कौन कौन से परिवर्तन किए तो ये आपको बताना, तो आप लोग इसको देख लेंगे। और इसके अलावा अध्याय 3 दे रखा है जिसका कि नाम दोस्तों अध्याय 3 है नाथसीवाद और हिटलर का उदय, तो नाथसीवाद क्या था हिटलर क्या था ये आप सभी चीज़ें इस जगह से नोट कर लेंगे अच्छे से। व इसी के अलावा आप इस जगह से देख लें नाजीवादी विचारधारा क्या थी समझाइए, न्यूरेमबर्ग नागरिकता अधिकार सितंबर 1935 क्या था, आप लोग इसे भी देखें। नाजी जर्मनी में महिलाओं को विशेष अधिकार माताओं की स्थिति पर प्रकाश डालिए, तो आप इसको देख लें और सभी लोग इनको नोट कर लेंगे अच्छे से जिससे कि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। वाइमर गणराज्य के सामने क्या समस्या थी आप इसको नोट करेंगे, और नाजियों ने जनता पर पूर्ण नियंत्रण हासिल करने के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए ये इसका उत्तर भी आप लोग यहाँ से देख लें। और आगे आपकी जो किताब है लोकतांत्रिक राजनीति इसको भी आप देख लें इस जगह से अध्याय 1 है लोकतंत्र क्या लोकतंत्र क्यों, तो यहाँ से आप देखेंगे देखिएगा लोकतंत्र की कोई दो विशेषता लिखिए, लोकतंत्र तथा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के बीच संबंध स्पष्ट कीजिए, तो आप इस जगह से नोट कर लें इन चीज़ों को जिससे कि आपकी तैयारी हो जाए अच्छे से, आप लोग यहाँ से देखेंगे। और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है आप लोग देखें लोकतंत्र का अर्थ सरल शब्दों में लिखिए, भारत में लोकतंत्र के खिलाफ अपने तर्क लिखिए। व इसके अलावा लोकतंत्र एवं गैर लोकतांत्रिक शासन की तुलना आपको करनी है, लोकतंत्र ही क्यों अपने तर्कों द्वारा विवेचना कीजिए, एक देश के बारे में निम्नलिखित तथ्यों पर गौर करके फैसला करें कि आप इसे लोकतंत्र कहेंगे या नहीं, अपने फैसले के बारे में तर्क भी दें। और इसके अलावा कुछ हिस्सा ये दे रखा है यहाँ 4 देशों के बारे में कुछ सूचनाएं, इन सूचनाओं के आधार पर आप इन देशों का वर्गीकरण किस तरह करेंगे, तो आपको देख लेना है। ये लोकतंत्र की विशेषता लिखिए आप इस जगह से इसको नोट कर लें। और आगे आप देख पा रहे हो अध्याय 2 दे रखा है संविधान निर्माण, किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, आप इसको देख लें। संविधान से क्या आशय है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ उसमें कितने अनुच्छेद थे,
अध्याय 3 दे रखा है जिसका कि नाम है चुनावी राजनीति। तो आप इस जगह से इसको देख लें, प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन किन चीज़ों का विवरण देना पड़ता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस की प्रतिज्ञा लिखी है। वह उसी के अलावा आगे आप इस जगह से देख पा रहे हो और कुछ हिस्सा ये दे रखा है, चुनाव आयोग किसे कहते हैं, भारत में चुनाव आयोग के अधिकार लिखिए, चुनाव में लोगों की भागीदारी का वर्णन कीजिए, और जो लास्ट वाली किताब है दोस्तों आपकी अर्थशास्त्र पालमपुर गांव की कहानी, तो इसके ये कुछ क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, आप लोग इनको देख लें। व इसके अलावा कुछ ये दे रखा है, उत्पादन का उद्देश्य क्या होता है, आप लोग इस जगह से इसको देखेंगे, हरित क्रांति की मुख्य विशेषताएँ क्या है, ये पारंपरिक कृषि के किस प्रकार से भिन्न है, तो ये भी आपको देख लेना है, हरित क्रांति पारंपरिक कृषि से किस प्रकार से भिन्न है ये आपको बताना है, रासायनिक उर्वरक मिट्टी एवं भूम जल नदियों के पानी को किस तरह से प्रभावित करते हैं, उत्पादन का उद्देश्य क्या होना चाहिए ये आपको देख लेना है, और खेती के आधुनिक एवं पारंपरिक तरीकों में कोई चार अंतर बताइएगा, तो आप इसको भी देख लें। वह आगे देख पा रहे हो आप, यहाँ से इन चीज़ों को नोट करेंगे और आगे आप इस जगह से देख लें, जैसे कि अध्याय 2 दे रखा है, संसाधन के रूप में लोग, शिक्षा किस प्रकार मानव पूंजी निर्माण का आवश्यक घटक है, और वह इसी के अलावा मानव पूंजी और भौतिक पूंजी में अंतर आपको बताना है, प्रचंड बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, प्रचंड बेरोजगारी बेरोजगारी में क्या अंतर है, तो आप इसको देखेंगे, बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, शिक्षित बेरोजगारी भारत के लिए एक विशेष समस्या है कैसे, तो ये आपको बताना है, मानवीय पूंजी निर्माण का क्या अर्थ है, आर्थिक विकास में इसका क्या महत्व है, तो आप इसको देख लें, भारत में मानव पूंजी निर्माण का स्तर निम्न होने के क्या कारण हैं, आप लोग इसको भी देखें, मानव पूंजी किसे कहते हैं। व इसके अलावा अगला अध्याय दे रखा है जिसका कि नाम अध्याय 3 है और इसका नाम निर्धनता है, तो आप लोग इस जगह से इसको देख लेंगे, जैसे कि क्या लिखा है इस जगह से आप देख पा रहे हो, नोट करेंगे, निर्धनता एक चुनौती है कैसे, निर्धनता का क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है, भारत में निर्धनता उन्मूलन हेतु किसी एक कार्यक्रम को समझाइए, तो आप इसको देख लेंगे, भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम की असफलताओं को लिखिए, व इसके अलावा निर्धनता दूर करने के उपाय बताने हैं, भारत में निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम को लिखिए, तो सभी के सभी जो क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं दोस्तों आप सभी लोग इन चीज़ों को अच्छे से नोट कर लेंगे। इसी के साथ में दोस्तों आप सभी को मैं आपकी सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं और इस वीडियो से विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।